होने वाला है आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ एक छोटा सा न्यू ब्लॉग लेके। तो आज मैं आप लोगों को मैंड्रेंज का जो रोड का कंडीशन से बोलकर जो रोज हम लोग सेलता है जहाँ से मैं रोज आना जाना करता हूँ वो वाला रास्ता मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो जरूर देखना, कमेंट जरूर करना। और हाँ, छोटा सा काम है, आज मेरे को पता चला तो आप लोग को मैंड्रेंज का कंडीशन दिखाऊँगी कैसा है। ये कंडीशन यहाँ तक तो अच्छा है लेकिन वहाँ तो थोड़ा कंडीशन बेकार है, तो आज वो देख लेना। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। पक्का चल रहा है तो साउंड नॉइस कुछ ज़्यादा आ रहा है तो ये नॉइस इग्नोर कर देना। चलो निकलते हैं अभी मार्केट के लिए, तो कुछ खर्च से भी लाने के लिए दे दें मुझे। तो यार बहुत झमेला होता है, चलो लेट्स गो। वॉइस सुन रहा है कि नहीं मेरा, सुन पा रहा है कि नहीं, पर मुझे टीवी देख के सुन पा ही रहा था। आज तो मतलब पूरा लोगों का ये क्या होता है रिएक्शन देखने को मिलेगा ब्रो, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं हेलमेट में कुछ लगा के जाता हूँ कैमरा तो कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने क्राइम किया हूँ बहुत बड़ा, तो लोग ऐसे बोलता है मुझे जैसे कि मैंने कुछ क्राइम कर दिया। तो आप मुझे बहुत भूलने वाला है, लोग पूछने भी वाला है कि क्या है ये, क्या है ये। तो देखते हैं लोग का रिएक्शन क्या आता है। जो महेंद्रगंज से भाई पता नहीं, मैं कुछ मुझे मतलब कुछ लाने के लिए देता है तो मैं बिल्कुल भी भूल जाता हूँ, बहुत कुछ भूल जाता हूँ मैं। सब करने के लिए देता है तो मैं भूलता हूँ ना, मतलब क्या क्या मतलब सोचने का मौका आता है। तो चलो यार, आपने बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने वाला हूँ अभी, जो मेरे माइक में वो रिपोर्ट आ रहे हैं अभी ओरिजिनल माइक जो रिपोर्ट आ रहे हैं वही रिपोर्ट आप लोगों से मैं पेश करूँगा, इसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगा हम बिल्कुल भी। तो देखता है क्या होता है, बाजार में जाके देखता है। तो आप लोगों को समझ मिलता है ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, दूसरा प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस शेयर करो। एडवांसली हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो इस वक्त तो लॉकडाउन का दुर्गा पूजा वैसे वो नहीं वाला है पहले जो होता है, अब वैसे ही होने वाला दुर्गा पूजा जो मतलब इस लॉकडाउन के टाइम में ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी पहले को पहले वाला दिन को पहले वाला शॉर्ट को जो हम लोग ने पहले इन्जॉय किया था वो बहुत मिस करेंगे इस बार दुर्गा पूजा में। तो मैं ऊपर आता हूँ तो काफ़ी मिस करने वाला है इस बार। हाँ तो ये हम लोग नवरे स्कूल बोलते हैं इसको, तो ऋषि से मंदिर रास्ता आने वाला है हम लोग का टाउन वाला। पता है क्या, ये वाला जो सूरज से आता है तो ये सीधे दादी जाता है और ये वाला जो सीधा है वो महेंद्रगंज तक जाता है, ये वाला रास्ता साफ है। अभी हम लोग का सरप्राइज जो है ये रोज देखने को मिलेगा, ये सीधा महेंद्रगंज इसमें जिस रास्ते से जाना मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क लेना। ओके तो ये रास्ता है भाई, अभी आप लोग अच्छे से अपलोडिंग देखने को मिलेगा। डॉक्टर ये रास्ते ऐसे हालत नहीं होने वाला है, कहाँ गया ये इधर में गवर्नमेंट, इस तरह से बना के दो यार। हाँ सर जी, यार कोई भाई अगर कोई देख रहा है वीडियो को बाहर से तो देखो यही ये महेंद्रगंज का एरिया, महेंद्रगंज का जो रोड वाला रोड का भी अच्छा ही था लेकिन ये वाला काफ़ी डेंजरस रोड बना दिया। और यहाँ पर आना तो बिना मास्क और हेलमेट का होना मतलब उसको पाउडर से ढके हुए जाना। हाँ यार अच्छा ही आ रहा है वॉइस क्वालिटी में, क्योंकि वॉइस कॉल नहीं करने वाला हूँ। तो भाई ये देख कितना फिर अभी तो अंदर है यार, ये यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट गार्ड है, मतलब यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट गार्ड है जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो मतलब इतना पटना सा मतलब वहाँ पे पक्का कर देता है, बहुत खास पक्का कर देता है, इतना पतला सा मरता है वो पक्की।
सकूं, अच्छा से गया अच्छे से मंगते हैं और वैसे भी इधर में होता है कि भीड़ भीड़ इधर जा रहा था। तो यहाँ पे एक और एक बात है, यहाँ की पत्थर एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से जो बाहर के लिए पत्थर निकलता है। पहले मैंने वीडियो आप लोगों को बताया था शायद, अगर मैंने पहले वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, जो चैनल में घुस के चैनल का वीडियो देख लो तो मिल जाएगा। वो जो बाहर जिसका जो पत्थर एक्सपोर्ट होता है, तो यहीं से एक्सपोर्ट होता है, तो यहीं से बाहर उसमें पत्थर निकल के जाता है। तो इसीलिए ये रास्ता यहीं से इतना हैवी निकल जाता है, तो इसीलिए इतना साफ कट लग गया। और वहाँ पे रास्ता देख सकते हैं, वो भी एक रोड है, वो मैंने टोटली खराब कर दिया वो वाला रोड। तो ऐसे ही चलना पड़ेगा ये, मतलब मैंने दो दिन आया था यहाँ पे विदाउट हेलमेट के बदल में, मतलब कंडीशन काफ़ी ख़राब कर दिया मुझे। ये भाई साहब मुझे जाने दो, पहले मुझे जाना है यहाँ से, आगे मतलब पार्क बोला है मैंने। तो ये वाला रास्ता भाई ऐसा ही होगा, ये वाला रास्ता कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ से नहीं जाने वाला, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। काका से कट मार के जाना पड़ता है। ये भाई रास्ता मैं बताना चाहूँगा, ये रास्ता है नॉर्थ ईस्ट में मेघालय में महेंद्रगंज। तो देख सकते हैं कभी यहाँ का रास्ते का हालत, सब जगह नहीं है लेकिन वो जो मेन हाईवे होता है थोड़ा सा डालू जाता है मरिंगपुरा होके, वो वाला रास्ता कभी अच्छा है मुझे स्मूड है, लेकिन वो मतलब ज़्यादा खराब कर रही है पत्थर का, वो दम वो बड़ा बड़ा रास्ता का है ना, टन का रोड जो जाता है वो यही जो पत्थर होते जाता है। वो जो सामने वाला पेट्रोल पंप जो ट्रक देख रहे हैं सब एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश में पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं। और ये हम लोगों का थोड़ा सा घटिया वाला पेट्रोल पंप है महेंद्रगंज, ये जो ट्रक हम लोग देख रहे हैं ये सारे, तो ये सारा का सारा जाता है बांग्लादेश। वेल अभी मैं आप लोगों को सब बहुत बकबक बकबक कर रहा हूँ, तो अभी आप लोग दिखाने वाला होने जाएगा, पता नहीं बहुत तरह को मार्केट है उतना हो भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ध्यान खराब होता है यू नो। अगर कभी ब्लॉगिंग कर रहा है तो मतलब चलाने का मतलब कभी ध्यान हट जाता है चला से खड़ी चलाने में। भाई धूल इतना अगर मैं पीछे पीछे गया ना तो मेरे को ये काला होने देगा भाई, वैसे ही काला है और काला बना देगा मेरे को, तो आपको आगे जाना है। और वैसे भी यार अगर ब्लॉगिंग करता है तो किस लेवल को रखना पड़ता है, मिनिमम मतलब मिनिमम फर्स्टिंग में रखना पड़ता है या 40 या 50 में रखना पड़ता है, नहीं तो उसको ब्लॉग का तो आवाज़ सप्लाई नहीं दे पाए। और वैसे मेरे पास एक्सटर्नल माइक है ही नहीं, तो इसलिए ब्लॉग का जो आवाज़ होता है ना मेरे, तो वो सुनाई नहीं देता, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। जोर से स्पीड में जाता है तो वो हवा को खराब कर देता है, हवा का ज़्यादा आता है। तो पहुँचने वाले महेंद्रगंज महेंद्रगंज वाला रो, अभी अगर मेरे को सामने किसी को देखेगा तो मैं रुकता हूँ, तो सब पता पे गैस है यार कुछ भी नहीं आते। तो मैं दूसरा देखते मैं दुर्गा पूजा की शुभकामना ही देता हूँ, तो ऐसे दुर्गा पूजा सबको फोन आ रहा था, सामने जाके फोन पिकअप कर लूँगा, यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मैं सबको मान ही गया था। ये है भाई लाइन में रुके तो शायद रुके तो ऐसे है ही नहीं, तो देखे हाँ मुझे तो फ़ोन करना पड़ेगा। तो मैंने भी बिल देने के लिए किसी को भेजा है, तो इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा था आप लाइन में रुक सकते हैं। इसी से माइंड था ना ये नो बेटी है, यहाँ से छोड़ रहे थे बंगाल, तो हम जाएंगे इस तरफ। ये है महाराष्ट्र मेन मार्केट आने वाला है अभी, तो यहाँ पे ऐसे होगा क्योंकि तो सब्जी मंडी तो मेन रोड पे पहले अगर आएगा तो ये थाना मार्केट रोड पर सुबह से लेके सब्जी यहाँ पे मंडियाँ लगता है, सब्जी मंडी यहाँ पे होता है। तो ये कुछ महंगा फिलहाल मतलब कि मार्केट में नहीं खिलाते हैं, इसके मेरा अधिकार है ये अच्छे महंगे बन जाते हैं, बस वन मंथ के लिए खोलते हैं, टू वीक के लिए, और सारा वीक सारा मंथ बंद ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सी एस के होता है ना वो ज़्यादा टाइम का ओपन रहता है, पता नहीं है क्या सी एस का, तो जब भी आता है ना उसको मनी मिलता ही नहीं है, बंद करता हूँ अभी। ओके I'm
ये है ट्रैफिक भाई, थोड़ा सा कम नहीं होता है? कैसे क्या नहीं? अभी ये थोड़ा सा बैंक में काम, उसके बाद निकलते घर। घटिया एटीएम हो या ना हो, थोड़ा सा डिप्लो हो रहा है मेरा भाई। बैंक ना बैंक, चलो हर किस लाइन, बैंक लाइन की लाइन। Where do you line? Come on, let's go there. Come on, let's go there. Come on, let's go there. तो सारा मार्केटिंग हो गया, मम्मी ने मुझे फीस लाने के लिए बोला तो यहाँ पे मैंने फीस ले लिया। तो अभी घर के लिए निकलते हैं गाइस, ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ठीक है? तो चलो घर चलते हैं अभी। ये देखो, ये है महेंद्रगंज का, कहाँ पे टोटो घुस जाते हैं यार ये मोटर वाले। तो गाइस ये थे थाना बाजार, तो जब आएगा तो महेंद्रगंज का सबसे पहले यही थाना बाजार मिलेगा, जहाँ पे सब्जी मंडी होता है अभी। और इसमें जो ब्लॉग था वो थोड़ा ब्लर ब्लर सा आ गया था ना, तो सारा जितने भी ऑफ रोडिंग में जितना धूल है सब मेरे कैमरे के लेंस में चिपक गया था, इसलिए ब्लर ब्लर से पे गया, उसके लिए सो सॉरी। तो गाइस विश यू ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा एंड राइट सेफ ऑलवेज विथ योर हेलमेट, बाय बाय।